वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग दोस्तों। गुड मॉर्निंग सभी को। और बात मान ला राम राम। अभी जा रहा हूँ मैं काम पे, और अभी 2 दिन ही बाकी है मंदिर के लिए, मतलब मंदिर के उद्घाटन के लिए। तो हमारी भी तैयारी चालू है, इसलिए लेट हो गया। अभी 2 दिन से काफ़ी लेट हो रहा हूँ, तो चलो अभी जाता हूँ पहले काम पे। तो सभी को राम राम। अभी आया मैं दोस्तों जस्ट काम से, अभी जा रहा हूँ टाइपिंग के लिए रोज की तरह। तो देखो कल रात को मेरे हाथ को लग गया, थोड़ी चोट हो लग गई हाथ को। अभी पहले टाइपिंग को जाऊँगा, फिर वहाँ जाने के बाद मीटिंग है आज हमारे मंगल की 22 तारीख का कार्यक्रम है। प्लानिंग करने के लिए कार्यक्रम मतलब सबको सबसे काम बांट के लड़के कम है इस बार, क्योंकि लड़के बाहर जाके हैं इस बार, ज़्यादा प्रेशर होगा, संभालना है प्रेशर को। तो अभी हम भूख लगी थी तो पाव भाजी खा के आए, और अभी ये छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहा है कि इसको दुकान से चॉकलेट लेके होना, और ये मुझे लेके आया। अभी मैं इसको चॉकलेट लेके दूंगा, और उसके बाद फिर खाना वाना खाने के बाद जाएंगे घूमने को। अभी सबका खाना हो गया है और सभी आ गए हैं इधर। सोच रहा हूँ इसको कहाँ लेके जाऊँ, किधर चलेगा, किधर जाना, चलो किधर चलेगा, कहीं भी ले चलो, जाओ अबे दद्दा। मुंह में डाल दे फोन, डाल दे। किधर जाएंगे, किधर जाएंगे, चलो ना ग्राउंड पे देख के आएंगे। अभी कहाँ जा रहा है उधर पगले। तो दोस्तों ये देखो, सब हम ये 4 ही जन है, हम करने वाले 5 जन। अभी परसों के लिए पक्या बहू ने बोल दिया तो बात खत्म, कि होगा तो कार्यक्रम होगा, क्योंकि ये हमारा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष हूँ, और ये बाकी साथीदार। इस बार कार्यक्रम बहुत जोरदार करने का है, क्योंकि हर घर भगवा छाया। दिल्ली में लक्ष्य ठीक है, ठीक है, तोरण लेके लास्ट तक तोरण लगेंगे यहाँ पे पूरे। तो ना 1000 रुपया झंडे झंडे छोटे वाले मोटे झंडे तो राजभवन मले, एक मोटा झंडा मले जितने गिला मेरे को फोन कर देना। यहाँ पे एक बड़ा झंडा लगाएंगे, बहुत बड़ा वाला, जैसा गणपति में लगाते अपन, मतलब वो झंडा है नहीं कि रोला है, इतना बड़ा झंडा। पिछली बार लगाया, हाँ हाँ, हनुमान जन्मोत्सव में लगाया था, देख हर साल लगाते वो झंडा। वो अपना वाला खराब हो गया, वो नहीं लगा सकते, नया लेंगे, बजट बहुत है हमारा, बजट का कोई इशू नहीं है ना गणपति में। पक्के बाबू ने पैसे दे दिए, मंदिराच्या मागे स्टार्टिंग तो हो गई, चलो अच्छा है। हम रहेंगे साथ में, दादा ने पूरा लाइटिंग लगाने का टेंडर ले लिया है, कुछ भी हो जाए दादा पूरे लाइटिंग का काम कर लेगा सर, और अभी हम बाकी का काम कर लेंगे। तो गन्ने का क्या करते झंडे लगाने के बाद भी वेस्ट नहीं जाने को, ठीक है, ये निकल भी जाएगा झंडा तो किसी घर के ऊपर लगने को, ठीक है। तोरण रह दो इधर भी, तोरण का कुछ काम नहीं, तोरण तो सार्वजनिक हो गए। मेरा बाप मेरे सबके घर में एक झंडा बांट दो। मेरा बाप बोल रहा था मोटे मोटे पैसे क्यों निकाल रहे हैं, वार्ड में सबको मंगलो बोले लगाते अपन लोग। मेरा बाप बोल रहा देंगे बहू, तुम तेरे घर पे लगाओ क्या, एक एक हाँ, लेने का। वो मेरे डैडी बोल रहे थे कि अरे भाई भी लेके आना ना, क्या मिलती नहीं पैसे ले लेते बनत नाही आपल्याकडे, त्या काड्या काड्याचा बंडलच भेटते तिथे, मी भी तेच म्हणतो। 50-25 आहे ना, 50-25 वाढून टाकतो, 50 किलो वाट वाटून टाकतो, जेवण नाही संपला संपला कोणी नाही तर आपण करू। उद्या माझ्याकडे लाइटिंगचा बॉक्स आहे, तुम्ही लाइटिंग कुठे लावायचे ते लावून टाकू, इधर लगा देंगे पूरे मंदिर।
नाही ते पूर्ण आम्ही मंदिरावरच लावतो, एका साइडवर लावून देणार, पूरी मंदिरालाच लावतो, बहुत लाइटिंग आहे ना, काय करते बहुत लावतो, जुनी लाइटिंग अजून वाचून होती ते 25 घरी पडून होते आम्हाला माहिती कुठून बहुत आहे, बहुत लगा देंगे लावून देते तुम्ही दाखवून लावून देते का बाजूला तुम्ही दिसताय ना इकडे रोटर लावते का रोटर कोणाची घरी आहे रुपयाकडे ये भी तो लंबा है ये भी लंबा है ये भी लंबा है साला मैं ही छोटा रह गया क्या तेरे को करंट नहीं लगा ना अंदर मेरे को नहीं करंट लगा ना भाई मेरे को मैं ही छोटा रह गया ये भी मरने वाला था ये भी मरने वाला था ये भी मैं और मेरा भाई दोनों तो होल्डर ले होल्डर बटन चालू लाइट लग गया पकड़ लो होल्डर ले लाइट लग गया सोडून दिलं बरं झालं वाचवलं झेंडे लाइटिंग झेंडे दिलो झेंडे दिलो तोरण दिलं काय ये डालू गा मैं बस मदत पाहिजे आहे आम्हाला आम्हाला चॅनल आहे त्याच्यावर पैसे पाठवा भका भका पाठवा फॉलो करा इसके भी घर पे लेके जानी पडेगी लाइटिंग तो अभी हमने ऐसा सोचा की कल करे सो आज करो और आज करे सो अब गाण मरा है तू और गाण कब लग जाए के दे सबकी ऐसा कुछ तो भी थे सब तो कल कल मंदिर पे लाइटिंग लगाने वाले थे तू उससे अच्छा मैंने आइडिया दिया अभी लगा लेते अबे लाइट चलने वाला उसका मेरा चालू है ना वाह दोस्ता वाचवलं तुम्ही मला थैंक यू सो मच ₹5 देत दादा लेकर ₹5 ये गाड़ी सरना ये उठता फरना इसको बचा ऐसा पकड़ के फरना तो अभी हम लाइटिंग लगाएंगे मंदिर की और हमारा प्रोग्राम होने वाला है तो हम काफी खुश है नहीं तो पहले लग रहा था ऐसा कि सब भूल देने वाले हैं अब सब दे रहे गुल मदद करो ना मैं लाइटिंग लाता हूं यस ब्रो नहीं तो कैमरा कौन लगाता हां गाइस हम ये भाई लाइटिंग लगा लाइटिंग लगा वाला इलेक्ट्रिशियन समझता है मैं 300 रोज कामाला गेलतो त्यांच्याकडे मी फक्त देऊ शकतो यार मे भी छोटे मोठे काम करू शकतो तार बांधणे वगैरे हां ठीक आहे आम्ही दोघा तुम्ही गेलते इलेक्ट्रिशियन काम करायला नाही गेलो होतो मी फिर कसं माहिती अबे इंजिनियरिंग करणार ना भाई वो इलेक्ट्रिकल इंजिनियर कर थांब थांब घरी जा तार घेऊन ये थांब वायरचे प्रकार सांग हां वायरचे का प्रकार राहते एकच प्रकारचा वायर राहते वरून रबरची कोटिंग राहते अंदर कॉपर आणि अल्युमिनियम भाई के तरफ जाओ और पानी की बाटल जा भाई छोटा तू है जा इरे मीरे आपने किया है कि इरे मीरे मामा बता इनको इरे मीरे इरे मीरे क्या होता है इरे मीरे क्या किया हमने भाई ऐसा पलट करके दिखा अभी देखो गाइस इसको बता मैं नहीं नहीं दादा को बताएंगे कमले दिखा करके नहीं मैं करके दिखाऊं क्या दादा तेरे साथ हीरे मेरे अबे पाण्याची बॉटल ला बोला था तेरे को अबे ले घ्या जा पाणी नाही आहे सबको कर अबे जा अबे दे बोलला भाऊ का नाम बता जा हां चल घेऊ त्या घरी घेऊ काय बॉटल आहे काय येंगा मेरे को घर में जाना आपण लाइन टाकून जा लोटर लोटर मध्ये बाबू लाइटिंग लावून टाकून हां ना चा लाइटिंग है तो चालू भी कर देंगे क्या अभी डर के आगे जीत है माउंटेन दो घंटे तो टाकू हां वैसे भी तो छूट बे निकालो डरेगा तो माउंटेन ड्यू डर के अबे नीचे लेके आना उधर से वहां से कैसा पकड़ू ये देखो पागल गाइस अबे वहां से लेके आना नहीं जमेगा क्या नहीं जमेगा रुक तो इलेक्ट्रिशियन होने के नाते दादा और मैं हमारे एरिया में काफी फ्री सर्विस देते हैं बहुत लोगों के घर का काम वगैरह करके देते तो पैसे नहीं लेते जो दे सकता है उससे ही लेते मोटिवेशन ये मांगा था थे ना अभी मैंने इतना सारा सामान का जुगाड़ कर लिया ये सीढ़ी लेके आया और अभी याद आया कि हमें खेलनी चाहिए मेरे को अभी याद आया ना वो ताव ताव में निकल गए घर के बाहर की वायरिंग के लाइटिंग लगा देंगे पर अभी क्या करेंगे सोच रहे ये है हमारा मंदिर
ऊपर अंधेरा है तो वो उसका भाई कुछ तो भी बोलती उसको, ऊपर वाला जो रहता ना भगवान है वो। नहीं नहीं रे हाँ। पगले ये इसको मंदिर के ऊपर का जो एरिया रहता ना ऐसा वाला, उसको कुछ तो भी बोलते हैं, याद नहीं आ रहा। हाँ जो भी है वो अंधेरे में तो दिख रहा नहीं। तो अभी क्या करेंगे हम, वही सोच रहे हैं। मंदिर चढ़ते हैं भी, कौन चढ़ेगा? तो फिर कहा तेरे साथ मैं आऊंगा ना मंदिर लग दू कभी, कितनी पाप लगन वाले पाप नहीं करता है तुम्हें। आपन त्याचा आपन त्याचा शोभे हे करता आहोत ना, ते आपन देवाचा चरणी ना तो मस्त खून करून राहिलो ना। चरण तिकडे आहे अंदर कोणाचे? हं देवाचे। तो पहिले तेतच पाय लागायचा मग करायचो आंगुड केला बे। हेलो दोस्तों, ये देख सकते हो मैं हमारे मंदिर के ऊपर चढ़ गया हूँ। काफ़ी गंदगी करके रखी है यहाँ पे लोगों ने, मतलब ये अभी गंदगी तो यहीं से हो रही होंगी, यहीं से कोई कुछ सामान फेंकता होगा या कुछ। तो ये सब साफ सफाई करके ये थोड़ा झाड़ भी छाटना पड़ेगा। और यहाँ पे ये देखो मंदिर, ये सब पुराने वाले झंडे निकाल के ये पूरा धोने का है। ऊपर में बड़ा झंडा लगाने का ये यही देख सकते हो आप, ये पूरा निकाल के बहुत बड़ा झंडा लगाएंगे। यहाँ पे भी गली के एंट्रेंस में भी बड़ा झंडा लगेगा। और कुछ नहीं, हर जगह बस जय श्री राम होगा, क्योंकि अब हम सारे हिंदू मूड गर्म में आए हैं। ये देखो दादा जब से स्ट्रगल करता है कर रहा है, मतलब यहाँ से चढ़ के देगा उसने, वहाँ से चढ़ के देगा। डर भाई ले हाथ ले मेरा, वे भाई तू मेरा हाथ लेना, दोस्त पे भरोसा नहीं है क्या तेरे को? दादा ओ दादा यो दा आ जाना भाई, किसको डर रहा तू, तेरा भाऊ है ना यार। लग जाता बराबर ये तो तो दोस्तों दादा की गांड बहुत फट गया है ऐसे पता नहीं क्यों हो रहा, बट ठीक है अभी मैं नीचे जाके दादा को बता देता कैसे ऊपर आते, तो फिर बात करेंगे। तो दोस्तों अभी हम बैठ गए, मतलब ये देखो हम मंदिर के ऊपर बैठ गए। अभी कार्तिक ने ज्वाइन कर लिया है और ये इसको कोई काम नहीं है, दादा ने इसको टपली मारी है। आने हाँ बस हो जाएंगी। अबे लड़के बहुत मादर चोद है अपनी, अरे तो बीप डाल देंगे उसमें पहुंच जाता। आपका हाथ कुर्ता के देख लो बरा पुरता पुरता वे, क्या मेरी हाइट की इतनी छोटी है क्या वे बच्चों में गिंदरा? अरे मजाक उड़ाते, इनको बताना पड़ेगा रोला अपना। उसको बोलूंगा मेरे को खड़े पे ले ले, गोदी में ले ले, गर्लफ्रेंड को ही बोल दूंगा गोदी में ले ले, ऐसी हाइट बढ़ जाएंगे। एक ही है ना पगले, एक घंटा हो गया। मामा शर्ट लाओ तुम्ही। वे मामा उसको जान दे, कल छोड़ कल की बात बता था। थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे, हाँ 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 नीचे आने, थोड़ी मामा, कल की बात तो थोड़ी उधर, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो हम दादा के घर का राज सांग रहे बाबा, एक मानते थे गाड़ी और मैं बस हूँ, तो तो आला असा केला म्हणजे मी उठलो, मी उठलो इमानदारी ना, त्यानं लावला ना। तर माझ्या का तो काहीच नाही म्हणताय, हा का म्हणते दुसऱ्याच्या गाडीवर बसते म्हणते, स्टँड वाकवते म्हणते, त्याला एवढा ताव येऊन गेला आता होता हे पण लाट्या ताव म्हणजे दुसरे की गाडी पे बैठते बोले स्टँड झुका देते म्हणे ऐसा हो गया वैसा, गरम दिल चालला भी गेला। मी विचार करतो त्याला काम म्हणू का, त्याला आग तर याने लावली, साप पाल रखा था तूने पहिले, त्याला दोस्ताचं नाव ना साप आहे। मी का म्हणता पुरी वाली केली तर शिवा खाजा लागली जाय म्हणून शिवा खाल्ल्या खरं अपने को कोई कुछ नहीं बोल सकता, अगर ये अपना ही साप था ना उसने तो कुछ नहीं बोला था, साप साथ नहीं तो धोखा कर दिया। तो दोस्तों अभी तक हमने बहुत काम किया था, हाथ बनवा लिया दादा वो जो वो जो नीचे रखे वो पूरे खराब है, हाँ वो भी बंद है, पूरे पन्नी इतने बंद है, हाँ वो सब बंद है।
तो ये बिजी है गर्लफ्रेंड के साथ, ये तो भी गर्लफ्रेंड ही नहीं अबे छलना चूती है क्या बोला तूने? मैं गर्लफ्रेंड के साथ अरे ये हाँ अबे हे कौन थी भाई, ये कहाँ से आ गई? ये देखो भाई, हमने अभी तक इतना काम किया, उधर साइड से भी लगा है और काफी मेहनत की है लड़कों ने। कल सवेरे ये झाड़ थोड़ा छाटना पड़ेगा क्योंकि वो झाड़ पे भी लाइटिंग लगानी की है, वो तो झाड़ का कल जो बहुत पेड़ पे काम है, रहता है। तोरण उरन लेके आने का है, बहुत कुछ करने का है। अरे तो अभी जाएंगे घर पे। भाई चलो बहुत टाइम हो गया, 2 बज गए हैं रात के, तो मैं जा रहा हूँ घर पे। तो सबको गुड नाइट और सभी को राम राम। ऐसे ही वीडियो लाइक आप पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो, थोड़ा उसकी ज़रूरत है हमें।